दिग्रस नगर पालिका द्वारा शहर में खुली पड़ी नालियों पर दवाई छिड़कने का काम शुरू किया गया है। जनता के स्वास्थ्य पर मंडरा रहे बीमारियों के खतरे के मद्देनजर यह पहल शुरू की गई है। वहीं शहर के नागरिक पालिका प्रशासन से लेआउट और ओपन स्पेस पर जमाए गए अवैध कब्जों पर कार्यवाही की दवाई छिड़कने की मांग कर रहे हैं। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में इन दिनों नागरिकों के बीच केवल और केवल पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण विरोधी मुहिम की चर्चा चल रही है। शहर की नालियों पर कई वर्षों से कब्जा जमा हुआ था, जिसे बारी बारी से हटाया जा रहा है। जो नालियां अतिक्रमण के चंगुल से आजाद हुई है, उन खुली पड़ी नालियों के गंदे पानी के बहाव से मच्छरों की पैदावार और इससे फैलने वाली बीमारियों का खतरा शहरवासियों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पालिका प्रशासन ने इन नालियों पर दवाई के छिड़काव का काम शुरू कर दिया है, जिसके बारे में पालिका के अधिकारी और मुख्याधिकारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। शहरामध्ये जे नाल्यावरचं जे अतिक्रमण मोहीम सुरू केली होती मुख्याधिकारी मॅडम, त्या आता नाल्या ज्या ओपन झालेल्या आहेत त्याच्यावर रोगराईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आम्ही जंतुनाशक वगैरे फवारणी आजपासून सुरुवात केलेली आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही स्पेशली जे मॅलेथिओल लिक्विड आहे आणि ब्लिचिंगचं कॉन्सन्ट्रेटेड 33% क्लोरीनचं जे मिक्सचर आहे त्याचं आम्ही वापर करून सगळ्या नाल्यांवर फवारणी आपण सुरुवात केलेली आहे। त्याच्यामुळे ज्या शेतीवाल्या नळ्या अळ्या आहेत, डास आहे, डासाच्या अंडी वगैरे जे आहे त्याच्यावर आपण आळा बसवणार आहे, आळा घेणार आहे। त्याच्यामुळे डोंगराईवर आपलं हे नियंत्रण मिळवण्याचा एक म्हणजे होईल रोगराईवर नियंत्रण संपूर्ण शहरामध्ये आणि जे जिथे झोपडपट्टी एरिया आहे तिथे खूप जास्त प्रमाणामध्ये घाण आहे, त्या नाल्या पण थोडशा फुटल्या आहेत आणि स्वच्छ पण स्वच्छता फार कमी आहे तिथे। आम्ही करतो आहे स्वच्छता, परंतु त्याच्या आधी प्रिव्हेन्शन म्हणून आम्ही ही फवारणी करतो आणि म्हणजे ज्या झोपडपट्टी वगैरे एरियामधल्या लोकांना एक आवाहन आहे की ज्यांच्याकडे कोंबड्या वगैरे राहतात मग ते आम्हाला फवारणी करायला थोडंसं मनाई करतात, तर त्यांनी आपल्या कोंबड्या वगैरे बरोबर जपून ठेवल्या, तर अर्ध्या तासामध्ये फवारणी केल्यानंतर मग सोडू शकतात, कोणी काही घाबरायचं कारण नाही, पण रोगराईवर नियंत्रण करण्यासाठी आम्ही फवारणी सुरू केली आहे। जिस तरह से पालिका प्रशासन ने खुली पड़ी हुई नालियों पर दवाई छिड़क कर मच्छरों को भगाने और बीमारियों के फैलाव को रोकने का जो काम शुरू किया है, उसी तर्ज पर मनमानी और स्वार्थ वृत्ति की बीमारी से ग्रसित कुछ लोगों ने अपने रसूख और राजनीतिक प्रभाव से पालिका की जमीनों पर लेआउट तथा ओपन स्पेस पर जो कब्जा जमाया है, उन कब्जों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की दवाई का छिड़काव किया जाए, ऐसी मांग दिग्रस शहर की आम जनता कर रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।